केंद्रीय वेतन आयोग में शामिल करने, महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव सम्मिलित करने समेत कई मांगों को लेकर बैंक वर्कर्स ने वी बैंकर्स एसोसिएशन के बैनर तले रविवार को शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मांगे नहीं माने जाने पर सरकार को चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। MI रोड शहीद स्मारक पर आज कैंडल मार्च का आयोजन किया है। इस आयोजन में हमने सभी दिवंगत बैंकर साथियों को, जो पिछले दो महीने के अंदर लगभग हमारे चार बैंकर साथियों ने आत्महत्या की है अत्यधिक काम के दबाव के चलते, उसको लेकर हमने कैंडल मार्च का आयोजन रखा है। इसके साथ ही हमने अनेक मांगे जो हमारी मुख्य रूप से सभी बैंकों को केंद्रीय वित्त आयोग में शामिल करना, RRB के साथ में होने वाले भेदभाव को खत्म करना और क्रॉस सेलिंग बंद करना मुख्य रूप से रखी गई हैं। उन सभी के लिए हमने सभी बैंकों से, सभी बैंककर्मी आकर वी बैंकर एसोसिएशन की विचारधारा का समर्थन करते हुए सभी बैंककर्मी एक ही मंच पर आकर लड़ने का हमने निर्णय लिया है। हम सभी वी बैंकर्स एसोसिएशन की विचारधारा का पुरजोर समर्थन करते हैं और सभी बैंकों में विभिन्न मांगे जैसे कि स्थानांतरण नीति का, RRB के साथ होने वाले भेदभाव, पेंशन के मुद्दे के लिए आदि अनेक जो भी हमारे मुद्दे हैं उनके लिए लड़ने का हमने निर्णय लिया है। हम वी बैंकर एसोसिएशन के बैनर के तले यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। पहला तो हम हमारे जो जितने भी दिवंगत साथी हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पिछले दो महीने में लगभग चार लोगों ने, जो चार बैंक कर्मी हैं उन्होंने अपनी लाइफ ख़त्म कर ली है, जिसमें से एक हमारे साथी ने अपनी छोटी बच्ची को पहले तो मारा है, उसके बाद ये कदम उठाया है। तो इससे ये आप जान सकते हैं हम बैंक कर्मियों पे कितना ज़्यादा प्रेशर है काम का। दूसरी हमारी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर हम सब बैंक कर्मी, चाहे वो किसी भी बैंक से हो, चाहे किसी भी ओहदे पे हो, चाहे किसी भी कैडर पे हो, सब साथ आके लड़ रहे हैं। जिसमें से हमारी सबसे पहली मांग है हमें केंद्रीय वेतन आयोग में शामिल किया जाए, क्रॉस सेलिंग बंद की जाए और जितने भी तरह की सरकारी योजनाएं हैं उनको हम पे थोप दिया जाता है वो ना थोपा जाए। शाहबाद उपखंड के सहरिया बहुल